नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रिवा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन संपन्न। वरिष्ठ भाजपा नेता आलो लिबांग, ब्योराम वागे, तेची कासो, ओलम पान्यांग, न्याबू जिनी दिर्ची और एनपीपी उम्मीदवार विधायक गोकर बासर दाखिल किया नामांकन। पासीघाट ईस्ट से कालिंग मोयंग, तापी दारंग और ओकोम योसुफ ने भरा नामांकन। कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से पानी ताराम और पीपीए के बेंगिया कापा ने दाखिल किया नामांकन। पालिन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मालो राजा ने भी भरा नामांकन। पापुमपारे जिले के डीसी ने कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एमसीसी का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने नई दिल्ली में बावी टकराव में एरोस्पेस पावर पर 15वें जंबो मजुमदार एरोस्पेस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का किया संबोधित। कहा, वायु और अंतरिक्ष नियंत्रण के साथ क्षमताओं को टुकराना सभी सैनिक अभियानों को सशक्त बनाने में सिद्ध होंगे निर्णायक। लोकसभा के पहले चरण के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। इस चरण में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा और लोकसभा की सभी सीटों सहित 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल यानी 28 मार्च को होगी और उम्मीदवार अपने नामांकन 30 मार्च 2014 तक वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को और अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना 2 जून को होगी। तूतिंग इंकियोंग विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेता स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, पाके केसांग से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ब्योराम वागे, ईटानगर से भाजपा उम्मीदवार तेची कासो, मारियांग गेकू से ओलम पान्यांग, लपारादा से भाजपा की न्याबू जिनी दिर्ची और एनपीपी उम्मीदवार विधायक गोकर बासार सहित 7 सदस्यों की अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम दिन आज भाजपा उम्मीदवार विधायक कालिंग मोयंग, कांग्रेस उम्मीदवार ओकोम योसुंग और एनपीपी कैंडिडेट तापी दारंग ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार कालिंग मोयंग लगातार 2 बार इस क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर से टिकट दिया है। भाजपा, कांग्रेस और एनपीपी के उम्मीदवारों ने विकास को अपना प्रमुख एजेंडा बताया है। नॉमिनेशन अभी फाइल कर आया, बीजेपी कैंडिडेट का उम्मीदवार बनकर, तो ऑलमोस्ट हम सेट कर दिया। हमारा तरफ से हमारा इलेक्शन एजेंट है, उसके बाद हमारा प्रपोजर, हम लोग सब मिलकर तो पासीघाट 30th असेंबली के लिए, तो उम्मीद करता है कि कल स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी भी मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद स्क्रूटनी क्लियर होने के बाद अभी पासीघाट पब्लिक का तरफ से फिर आशीर्वाद देना, मैं तो वही मांग करेगा। इस बार हम INC से स्टैंड हो रहा है, आज इसलिए नॉमिनेशन फाइल करके अभी आया है। मेरा ये सब पासीघाट 38 पासीघाट को मेरा अपील है, इस बार हमको गरीब को, इस बार आप जैसे भी पार्टी ने देख के अखोमियों को जैसे भी इस बार आप लोग का प्यार दीजिए। पासीघाट के वासियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये इस बार मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये क्यों सपोर्ट करेगा, ये हम पासीघाट में जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली अभी ये विंटर सीजन तो निकल गया, मेन तो देखा है तो ये पानी पीने का प्रॉब्लम है। ये हम कोशिश करेगा, ये जितना भी जहाँ में सेक्टर में पानी का प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि बिना पानी से तो जी नहीं सकेगा। लाइट हो, रास्ता हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पानी तो बहुत ही जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के तहत कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पानी ताराम और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल PPA के वरिष्ठ नेता बेंगिया कापा ने नामांकन दाखिल किया, जबकि पालिन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विधायक बालो राजा ने भी आज नामांकन भरा। देखिए, ये इलेक्शन में स्क्रूटनी में गिराना फिराना वो सब बात नहीं होता है। अगर इलेक्शन में तो पब्लिक का प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा ना,
पब्लिक ही डिसाइड करेगा। कंप्लेनबाजी आर्गूमेंट उसे तो पॉलिटिक्स होगा नहीं है, तो जो भी पॉलिटिक्स खेलना है तो पब्लिक का ही दिल जीतना पड़ेगा, पब्लिक का साथ ही खेलना पड़ेगा। 20% कोकन सोमो लोक सरा दालिम ला दुलम निपुप अले नल इजि तंग पेले ला हाकर गरी कुने सोकोलर सी मुलगे नाक गे दिरी ला पाकुपा सोयो कु इसे मुलोय की बुए सोयो कु इसे नो आरुकम हरागे कागे दे बे मोला ला सचिंका सचिं जालोंगम उयवा उयु पोगे शैतान गे कामले। पापुमपारे जिले के उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर जीकेन बोमजन ने कहा कि फ्री एंड फेयर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता एमसीसी का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से सी विजिल ऐप पर एमसीसी के उल्लंघन के मामलों की शिकायत करने की अपील की। इधर ईटानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के तेची कासो और एनपीपी के ताई तादाब ने नामांकन भरा है, जबकि दोईमुख विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ताना हाली तारा, कांग्रेस से नाबाम तादा और पीपीए से नाबाम विवेक ने नामांकन भरा है। वहीं सागाली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के तेची रोतू ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 13 ईटानगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, 14 दोईमुख, 15 सागाली, तो ऑल टुगेदर 150 पोलिंग स्टेशन है, अराउंड 1 लाख प्लस का वोटर्स है। तो इसको 150 पोलिंग स्टेशन को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने इस बार पोलिंग प्रेसाइडिंग ऑफिसर टोटल अराउंड 900 प्लस हम लोगों ने ड्राफ्ट किया हुआ है। उसमें फिर हम लोगों को चाहिए 60 माइक्रो ऑब्जर्वर्स, हम लोगों को अपॉइंट करना पड़ा है नोडल ऑफिसर 17। तो चेकिंग का जो है, स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया है। 13 ईटानगर में हम लोग को 2 नॉमिनेशन पेपर मिला, तेसी कसो बीजेपी से मिला, ताई तादाब एनपीपी से मिला। 14 दोईमुख से हम लोग नॉमिनेशन पेपर आज तक मिला है 3 कैंडिडेट से, ताना हाली तारा जो कि बीजेपी का है, फिर नाबम तादो जो आईएनसी से है, फिर नाबम विवेक जो पीपीए से है। इस तरह से आज देखा गया है कि 15 सगाली का जो कैंडिडेट था उसमें नॉमिनेशन एक ही मिला हम लोग को, तो तेची रातू जो है बीजेपी, डिपोजिशन ऑफ आर्म लाइसेंस या आर्म्स बहुत अच्छे से चल रहा है, सीजर भी बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर भी अंडर कंट्रोल है, और हम लोग का ऑब्जर्वर जो जनरल ऑब्जर्वर भी आ चुका है, आज मीटिंग एक लिया है, फिर पुलिस ऑब्जर्वर का साथ में आज मीटिंग लिया, फिर इससे पहले हम लोग का एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आके मीटिंग करा के गए हैं। तो फिलहाल ईटानगर का इलेक्शन अच्छा है। चुनाव आयोग चुनावों के दौरान 27 आईटी एप्स के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। एप्स और पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उपयोग ने उम्मीदवारों और लोगों के साथ साथ उन अधिकारियों के लिए भी प्रणाली को आसान बना दिया है जो चुनावी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। चुनाव आयोग देश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाई 1 अप्रैल 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे, और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा कि बालाकोट जैसे सैनिक अभियान ने यह प्रदर्शित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर एरोस्पेस पावर शत्रु के क्षेत्र से भी आगे प्रभावी होती है। श्री चौधरी ने कहा आज नई दिल्ली में बावी तकराब में एरोस्पेस
पावर पर 15वें जाम्बो मजुमदार एरोस्पेप अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष में सैन्यकरण और सशक्तिकरण अब ऐसी वास्तविकता बन गई है क्योंकि वर्तमान में अनेक देश सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष की संपत्तियों पर अधिक निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि वायु और अंतरिक्ष नियंत्रण के साथ क्षमताओं को टकराना सभी सैनिक अभियानों को सशक्त बनाने के निर्णायक सिद्ध होंगे। वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मौजूदा शस्त्रों को अनावश्यक बना सकते हैं। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने इंडियन एयरफोर्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्स पुस्तक का अनावरण किया। प्रतिवर्ष विंग कमांडर के मजुमदार की याद में यह गोष्ठी आयोजित की जाती है। Has significantly transformed from primarily a force, time and space driven battlefield to an arrangement of systems capable of simultaneous and independent operations across multiple domains. We all need to acknowledge that the wars of future will be fought differently. Future conflicts will be characterized by a blend of simultaneous application of kinetic and non-kinetic forces, high levels of battle space transparency, multi-domain operations, high degree of precision, enhanced lethality, a compressed sensor-to-shooter cycle, and of course, all under intense media scrutiny. Coupled with this is the conversion of niche technologies like AI, big data, blockchain, quantum communications that could make existing weapons and inventories redundant. To be able to fight effectively in such an environment, there is a need to reimagine, realign, and reform conventional warfighting ways and means. Evolution of aerospace power is not merely a matter of technological prowess, but also a testament to the ingenuity and adaptability of human innovation in the face of emerging threats. CUET UG 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने कहा कि यह निर्णय उम्मीदवारों और हितधारकों से अनुरोध मिलने के बाद लिया गया है। CUET UG 2024 परीक्षा 380 शहरों में आयोजित की जा रही है। इनमें 24 शहर भारत से बाहर के हैं। हर साल 27 मार्च के दिन विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। रंगमंच दुनिया भर में कला, संस्कृति और परंपरा को दिखाने के सबसे प्रमुख तरीकों में से एक है। यह अलग अलग नाटक के मंचन द्वारा सामाजिक बुराइयों और समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। आज का दिन थिएटर आर्ट्स के महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संस्कृति और परंपरा के प्रसार का एक सबसे सशक्त माध्यम है। ये अलग अलग नाटक के मंचन के द्वारा सामाजिक बुराइयों और समस्याओं के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। आज का दिन थिएटर आर्ट्स के महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। रंगमंच में कई तरह की शैलियाँ, विधाएं और सांस्कृतिक परंपराएं शामिल हैं। रंगमंच समय के साथ काफी विकसित हुआ है। विश्व रंगमंच दिवस कला के महत्व का जश्न मनाता है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाती है, मनोरंजन करती है, सिखाती है और बदलती रहती है। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और इसके महत्व को समझाना है। दुनिया भर में लाखों लोग थिएटर कला का आनंद लेते हैं। निर्माण में हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक की तैयारी भी लग जाती है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। नाटककार उत्तम कथानक, संवाद और क्रियाकलाप प्रस्तुत करता है। निर्देशक और अभिनेता चरित्र विकसित करते हैं और पंक्तियाँ लेखक की दृष्टि को उजागर करती हैं। निर्देशन, संगीत, रोशनी और कोरियोग्राफी पूरे शो को एक साथ लाती है। कहते हैं कि कलाकार जीवन के विभिन्न रूपों को अपने तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। जिंदगी में किसी का मनोरंजन जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार क्रोध पहले स्वयं को फिर दूसरों को नष्ट करता है। जो इससे दोस्ती करता है वह उसी का शरीर, मन, वचन, भाव और ज्ञान का विनाश करता है। व्यक्तिगत संबंधों और जीवन पर क्रोध करने से प्रभाव पड़ता है। क्रोध करने से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो हमें बताती है कि कुछ उचित नहीं है। गुस्सा न केवल एक असहज भावना है
बल्कि जब हम क्रोध का अधिक अनुभव करते हैं, बहुत अधिक समय तक गुस्से में रहते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव कई तरह से हम पर पड़ता है। अपने सर्वोत्तम रूप में क्रोध हमें खतरे के प्रति सचेत करता है और प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। यह नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका दे सकता है या समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन अत्यधिक क्रोध या गुस्सा परेशानी का कारण बन सकता है। जब क्रोध के अनुभव कई बार 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 होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं या ट्रिगर करने वाली घटना के अनुपात से बाहर होते हैं, तो भावना हमारी भलाई और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। क्रोध के कई कारण होते हैं और लोगों को छोटी छोटी बातों पर अक्सर गुस्सा आ जाता है, जैसे दफ्तर के लिए देर होना, अधिक ट्रैफिक मिल जाना, कोई महत्वपूर्ण वस्तु न मिलना, बच्चों का बात न मानना, बच्चे की हरकतें, किसी की अनुचित बात या कोई कार्य पूर्ण न होना। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।